God bless you. Thank you. प्लीज मोबाइल नीचे रखिए. ये बार बार ओके मैं थोड़ी देर में आप लोग को फिर बुलाऊंगा. आप मैम यही रहेंगे और इनको 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 ले जाएगी प्यार से. हाँ नहीं हाँ बस थोड़ी देर बाद में बुलाता हूँ. देशों का सिनेमा देखने रहेंगे? कब बनेगा हमारे देश का सिनेमा? तुम देखना, मैं बनाऊंगा भारत का सिनेमा और जरूर बनाऊंगा, चाहे दुनिया कुछ भी बोले. भारत का सिनेमा बनाएगा? आधा घर का सामान बेच के रखा हुआ है, भारत का सिनेमा बनाएगा. चलो रे तुम लोग, 9 बजे का गुलाश आ जाना. एक गणपत चाय लगा रहे बाबा, पागल ही है तो. हाँ हूं मैं पागल, लेकिन मैं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा सिनेमा. हूं मैं पागल. अपन उनके पास साधन है, उनके पास तकनीक है, और सबसे बड़ी बात उनके पास पैसा है. और तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सोच है, जिद है, जुनून है, और इन सबसे बढ़कर मेरे पास तुम. वैसे भी सरस्वती, इरादे नेक हो तो सपने भी साकार होते हैं, अगर सच्ची लगन हो तो रास्ते आसान होते हैं. नहीं, 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 नहीं
अब बनेगा हमारे देश का सिनेमा, भारत का सिनेमा। चलो चले, भारत माता की जय। भारत माता की जय। तो ऐसे बना भारत का सिनेमा। चित्र से चलचित्र कैसे बनाया जाता है, कैसे बनेगा, जो असंभव लगता था वो उन्होंने संभव कर दिखाया। इसलिए मेरी क्लास में पहला वाक्य क्या होता है स्टूडेंट्स? मैं संभव। ये जो सारा इस सिलेबस यहाँ का है वो फालके साहब का ही दिया हुआ है। लोग पूछते हैं कहाँ से डेवलप किया, किसी फॉरेन के लोगों को देखकर किया, बिल्कुल भी नहीं किया, ये बिल्कुल यही का है। जैसे फालके साहब आइडियोलॉजी थी, जैसे फालके साहब सोचते थे उसी तरीके से बनाया कि अब बनेगा भारत का सिनेमा। सो इनसे क्या बात सीखी, इनके बारे में अगर फालके साहब के बारे में बोलूंगा बाबा, सो लव यू बाबा। सो बोलने से भी बहुत है और टाइम लग जाएगा, बट एक लाइन कहूंगा जो जब बार बार फालके साहब को पढ़ा तो एक बात मेरी समझ में आई, वो है गो बियॉन्ड। गो बियॉन्ड, अगर ये नहीं सोचते, और ये सिर्फ ये नहीं, नासिक नहीं, मुंबई नहीं, इंडिया नहीं, विदेश जाके, इंग्लैंड जाके नहीं सीख कर आते तो आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा नहीं होते। और आज यूएस और चाइना के बाद जो इंडिया जो तरक्की कर रहा है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, इस देश में आज करीब 1500 फिल्में बन रही है पर ईयर। जिस तरीके से हम राइज कर रहे हैं, कोई सोच सकता था 3 दिन में हजारों करोड़ कमाने का व्यवसाय एक दिन इतना बड़ा बनेगा? तो सब पालके और आप यहाँ हैं, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात मैं इस तरफ आता हूँ, कल हमारा बड़ा इवेंट चल रहा था और उस इवेंट में एक बच्चे ने कहा कि सर सुना है कि अखिलेंद्र मिश्र जी आए हुए थे, तो सुना था कि सर लड़कियों का भेजा लड़कों के भेजे से 150 ग्राम कम होता है, ऐसा एक स्टूडेंट ने पूछा। तो मैंने कहा अरे वो 150 ग्राम कम हो के तुम लोगों से 150 साल आगे चली गई और तुम लोग उधर ही हो, उसकी वजह ही है कि मैंने ऐसा कल क्यों कहा, क्योंकि ये जो सरस्वती जी हैं, अगर ये नहीं होती, इनका त्याग नहीं होता। इसलिए जब भी आप लोगों ने लक्ष्मी जी की मूर्ति देखी और सरस्वती जी की देखी हो, फर्क क्या है, लक्ष्मी जी खड़ी रहती है, चंचल है कभी भी, और लक्ष्मी जी बैठी है, यानी कि आपको यस आपको बैठ के त्याग, आपको सारी चीज त्याग करके बैठना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सो लक्ष्मी जी एक्चुअली हर चीज की रीढ़ है, अगर ये नहीं हुई थी तो ये सब सपने भी संभव नहीं हुए थे। इनका भी सरस्वती जी का भी उतना ही बड़ा योगदान है और कमाल ये है कि वो सरस्वती हमारे देश की। सरस्वती जी का तो सरस्वती जी उनकी डेफिनेटली रीढ़ की हड्डी रही है और उन्होंने ही दादा साहब फाल्के को हौसला बढ़ाया और उन्होंने दादा साहब फाल्के से कहा कि जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, फिर कद क्या नापना आसमान का।
अच्छा ये हाँ ये दीपिका है, ये हमारी दीपिका है। शुभकामनाएं सबसे पहले। और सर क्या कहना चाहेंगे आज का जो यूथ फेस्टिवल था एचआरआई का, क्या कहना चाहेंगे सर उसके बारे में अगर थोड़ा कुछ शेयर करें? श्योर। सबसे पहले तो सभी का और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग एचआरआई आए, और धन्यवाद इस बात का कि पिछले दो साल लगातार स्टूडेंट्स का, आप लोगों का, चंद्रशेखर जी का, आई का, इनका सपोर्ट लगातार हमारे साथ रहा। उसी वजह से मैं, मंदार भाई, आदित्य, हम तीनों इसको यहाँ तक ला पाए। और हमारे स्टूडेंट्स के जो प्लेसमेंट हुई, जो डिफरेंट जगह पे काम मिला, राइट फ्रॉम यहाँ से लेके हॉलीवुड तक हमारे स्टूडेंट्स गए हैं, क्या बात है, तो उसकी बहुत खुशी है। और ये हमारा हर साल चार दिन का यूथ फेस्ट होता है, जो 30th से शुरू होता है 30 तारीख को, और 30 तारीख को दादा साहब फाल्के जी का जन्मदिन था, उस दिन से ये यूथ फेस्ट शुरू होता है। उनकी फिल्में दिखाई जाती है, उनके बारे में डिस्कशन होता है, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जाती है, पैनल के लोग आते हैं, और उसके बाद कभी बाबा पहले दिन आते हैं, क्योंकि 30th को बाबा को इतना काम होता है जो हम सोच ही नहीं सकते। फिल्म सिटी जाना, फिर कहीं और जाना, फिर यहाँ आना, तो कई बार हम पहले बुला लेते हैं, क्योंकि एचआरए का इनॉग्रेशन इन्होंने किया था, और कई बार हम समापन पे बुलाते हैं। तो इस बार हमने बाबा को यानी चंद्रशेखर जी को और आई को इस बार हमने समापन पर बुलाया है, और अगली बार आप लोग देखेंगे कि और ये हेल्दी और अच्छे रहकर इसकी शुरुआत करने आएंगे। सो ये यूथ फेस्ट बेसिकली इसलिए है कि हम वर्तमान में रहकर क्या हुआ था, कैसे ये सिनेमा आज इतनी बड़ी इंडस्ट्री बना, उसके बारे में एचआरआई के स्टूडेंट्स को, बाकी के लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि कैसे इस शख्स ने एक छोटा सा, जो जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में पढ़ता था, जिसका इतना बड़ा विजन था, आप उनके कोट्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बोलते थे मैं सिनेमा इसलिए बनाना चाहता हूँ कि एक दिन मैं चाहता हूँ कि इंडिया में सिनेमा की अपनी इंडस्ट्री खड़ी हो। और आज ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप देख सकते हैं, और गूगल पे पता कर सकते हैं कि इसको ईयरली कितनी ग्रोथ है। या सो इसीलिए ये मनाया जाता है, और आज मेरा जन्मदिन है, सो आज जन्मदिन के दिन ये समापन होता है इसका। चंद्रशेखर सर, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से सर ने इनिशिएटिव लिया कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता होना चाहिए कि दादा साहब फाल्के ने क्या किया है इंडस्ट्री के लिए, कितना इम्पोर्टेंट है ये चीज, और सर क्या विश करना चाहेंगे सर के लिए? पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ नव कुमार जी का। अरे सर, नहीं बोलिए, नहीं नहीं, नव कुमार का जी का आपको ऑकवर्ड लगता होगा, तो पहले इनॉग्रेशन के लिए
हमें बुलाया था इस स्कूल का, और आप आज एक समारोह के टाइम उन्होंने मुझे स्पेशली बुलाया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, 3 मई ये आपका बर्थडे है जी। मैं आपको बहुत सारी ढेर सारी थैंक यू शुभकामनाएं देता हूँ। और 3 मई को राजा हरिश्चंद्र रिलीज हो गई थी दादा साहेब फाल्के की, सो दैट इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। और इंडिया की पहली पिक्चर फॉरन एशियन थिएटर में 3 मई को रिलीज हो गए थे, तो दिस डेट इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो यू आर सिलेक्टेड दैट, तो मुझे बहुत खुशी है जी कि आप सिर्फ पढ़ते नहीं, वो प्रैक्टिस में भी आप जी, डालते हैं जी जी, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। थियोरेटिकली होशियार होना अलग है, लेकिन वो प्रैक्टिस में डालना वो आप कर रहे हैं जी, जी। और आज मैं अगला सवाल तो मैं बोलते रह जाऊंगा तो हाँ। सर इसके अलावा आज जो आपने प्ले देखा उसके बारे में कुछ बताइए, हमने देखा थोड़े से इमोशनल भी हुए प्ले देखने के बाद। हाँ, क्योंकि वो कैरेक्टर में दादा साहब का कैरेक्टर में खुद में गया, थोड़ा सा अंश मेरे हम में है, तो मुझे मैं इमेजिन किया कि कैसी उनकी पोजीशन तभी हो गई, बाद में कैसी पत्नी ने निभाया। मेरे ख्याल से दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट, जो आज फिल्म इंडस्ट्री इतनी बड़ी दिख रही है, दैट कैपिटल ऑफ दिस फिल्म इंडस्ट्री रेज बाय द वुमन, सो शी इज द मदर ऑफ इंडियन सिनेमा, करेक्ट, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। डॉक्टर कुमार जी, हम स्टूडेंट्स को भी ये पॉइंट कैरी करना चाहिए आगे, लाइक ही इज अ फादर बिकॉज ही, वाई ही इज अ फादर बिकॉज देयर इज अ मदर, दैट्स व्हाई आई सेड सरस्वती जी का भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल था, तभी मैंने सरस्वती जी को एम्फेसिस करके बताया कि सरस्वती जी थी और वो हमारे देश की थी, सही बात है। और तो ये सपने पूरे, और ये कलाकार लोगों ने जो पेश किया बहुत ही मेरे ख्याल से उन्होंने सिर्फ थिएटर के लिए बाहट नहीं किया, लेकिन वो दे वर लिविंग, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इन शॉर्ट टाइम ये करना बहुत, और मेरे ख्याल से रिहर्स भी किया होगा उन्होंने बहुत सारे, तो वो फाल्के जी का काम वो सरस्वती का काम करने, और दो छोकरे भी कितने क्यूट, बहुत हाँ, वो सामने बहुत अच्छे लगे, बहुत क्यूट। सर आपसे एचआरआई की जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा, किस तरह की जर्नी रही आपके लिए और क्या कहना? हाँ, मैं बताता हूँ कि देखिए, अभी भी मैं सलीम साहब से मिला था, तभी भी ये डिस्कशन हुआ, उन्होंने पूछा, और वो टाइम दर टाइम ये ज़रूर पूछते हैं कि मियाँ अब क्या कर रहे हो। सो मैंने कहा कि हम 3 दोस्तों ने सफ़र शुरू किया था, सूरज जी जो मेरे गुरु, सलमान भाई और मैं, एक सुपरस्टार, एक सुपर डायरेक्टर है ना। सो मेरा था, मैं शुरू से कहता था कि एक दिन सर मैं फिल्म एडुकेटर बनना चाहता हूँ और मैं फिल्म स्कूल खोलना चाहता हूँ, और जितना आप लोगों से पढ़ा है, देश का सिनेमा, विदेश का सिनेमा, मैं अभी अजीत राय जी को मैंने बुलाया है, उनका भी यहाँ पर थोड़ा डिस्कशन होगा, जो वर्ल्ड सिनेमा के इंडिया के बेस्ट, सबसे बेस्ट माहिर आदमी अजीत राय जी अभी यहाँ बैठे हुए हैं हमारे बीच। तो क्या था कि ये सपना था कि मैं एक दिन अपना इंटरनेशनल फिल्म स्कूल खोलूं, और फिर मैंने ये मेरे 2 दोस्तों से